नमस्कार दोस्तों, भारतीय साहित्य में आप सभी का स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटज। तो मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुटज के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज हम जो कुटज कहानी का सार है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको पूरी कहानी का निबंध नहीं पता आपको कि मतलब क्या कहना चाह रहे इस कुटज के अंदर, तो आपको यहाँ वो सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कुटज के बारे में हम सबसे आसान भाषा में आपको बताएंगे और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जन्म स्थान सन 1907, गांव आरत, दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। शिक्षा हुआ था मतलब कि दुबे का छपरा, छपरा एक बलिया में भी है और बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कार्य 1940 से 50 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। सन 1950 में वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1952 से 53 तक में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष रहे। 1955 में वे प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के नामनी नियुक्त हुए। 1960 से 67 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर नियुक्त हुए। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने पर वे भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से संबंध रहे। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुटज के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कुटज जो निबंध है, इसकी मूल संवेदना क्या है? कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। इसमें सौंदर्य व सुगंध न होते हुए भी मानव के लिए एक संदेश है। कुटज अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति, आत्मनिर्भरता एवं विषम परिस्थितियों में भी शान से जीता है और मानव को भी यही संदेश देता है। इस निबंध का उद्देश्य यह बताना है कि सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकता है। सामान्य से सामान्य वस्तु में भी दोस्तों विशेष गुण हो सकता है। हमें कुटज के पौधे से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बात करते हैं पाठ के सार का। बहुत आसान है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हिमालय और कुटज, कहा जाता है कि पर्वत शोभा के निकेतन, निकेतन मतलब घर, कहा जाता है कि पर्वत शोभा के निकेतन होते हैं, पर्वत शोभा के निकेतन होते हैं। हिमालय को तो पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला भी कहते हैं, अर्थात शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा। किसका? शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा प्रतीत होता है। यहाँ काली काली चट्टानों और उनके बीच की शुष्कता को झेलकर भी कुछ ठिकने से पौधे मस्त मौला से दिख रहे हैं। किसकी काली काली चट्टानों और उनके बीच की शुष्कता को झेलकर भी कुछ ठिकने से पौधे मस्त मौला से दिख रहे हैं। ये भयंकर गर्मी की मार को झेलकर भी बेहाया से जी रहे हैं। ये पौधे कठोर पत्थरों की छाती को चीरकर गहरी खाइयों से रस खींचकर सरस बने हुए हैं। नाम से रूप की पहचान, मतलब कुटज नाम से रूप की पहचान। हिमालय पर्वत पर लगे इन ठिकने से पेड़ों में एक पेड़ को लेखक पहचानता है, किंतु उसका नाम याद नहीं आता। नाम के बिना रूप की पहचान अधूरी रह जाती है, नाम के बिना रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। यूँ तो इसे अनेक नाम लेखक दे सकता था, किंतु नाम तो वह होना चाहिए जिसे समाज की स्वीकृति मिली हो, तभी लेखक को याद आता है कि इस ठिकने से पौधे का नाम तो कुटज है। बात करते हैं गाढ़े का साथी। संस्कृत साहित्य का परिचित नाम कुटज, लेकिन कवियों ने इसकी सदैव उपेक्षा की है। कालिदास ने यक्ष द्वारा मेघ की अभ्यर्थना कराते समय कुटज के फूलों की ही अंजलि दिलवाई थी। किसने? कालिदास ने यक्ष द्वारा मेघ की अभ्यर्थना कराते समय कुटज के फूलों की ही अंजलि दिलवाई थी। ऐसे समय में जब कोई फूल नहीं था, मुसीबत के समय इसी के द्वारा पूजा संपन्न होने के कारण इसे गाढ़े का साथी भी कहा गया। अपराजेय जीवनी शक्ति, मतलब अपराजेय जीवनी शक्ति। कुटज का पौधा नाम और रूप दोनों में ही अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। किसमें? नाम और रूप दोनों में ही। ये भयंकर गर्मी की लू के थपेड़े खाकर भी हरा भरा बना रहता है। यह पाताल की छाती चीर कर भी अपना प्राप्य वसूल लेता है, भोग्य खींच लेता है। यही प्रेरणा कुटज मानव को भी देता है कि उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी के आगे घुटने नहीं टेकना, दांत नहीं निपोरने, वरन संघर्ष करते हुए सफलता पानी है। मनुष्य को स्वयं के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए न्योछावर होना है।
अब बात करते हैं स्वावलंबी कुटस। ये सारे इस कहानी के उद्देश्य हैं, निबंध के उद्देश्य हैं सारे। स्वावलंबी कुटस, सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है और दुखी वह है जिसका मन परवश है, मतलब दूसरों के वश में है। परवश अर्थार्थ दूसरों की खुशामद करने, तलवे चाटना आदि। कुटस धन्य है क्योंकि वह तो अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवारी नहीं करने देता। कुटस शब्द के विभिन्न अर्थ, कुटस के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। कुटस अर्थार्थ जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घड़े को भी कहते हैं, कुट घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं, घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं। कुट अर्थार्थ घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटस कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? अगस्त्य मुनि भी कुटस कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात रही होगी। हाँ, घड़े से कौन उत्पन्न हो सकता है वाला। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटकारिका दासी को भी कहते हैं। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। एक जरा गलत ढंग की दासी को कुटनी भी कह दिया जाता है। तो ये था कुटस के बारे में था। जो पूरे कहानी के निबंध का जो सार है वो यही है। आप कितना ही पढ़ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये जो छोटी छोटी बातें जिसके अंदर कुटस के बारे में जो दी गई थी, इसके क्या क्या जितने भी इसकी विशेषताएं हैं सारे यहाँ पर बता दिया गया आपको, ठीक है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर वहाँ नहीं मिलती तो कमेंट कर देंगे तो आपको इसकी PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो देखने के लिए बाबा धन्यवाद। हमारे भारतीय साहित्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।